गुड मॉर्निंग। आज हम सिंपल प्लाजो की कटिंग करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कपड़े को मैंने 4 लेयर में फोल्ड कर लिया। पहले सिंगल कपड़े को मैंने डबल किया था और फिर इसको इस तरह डबल किया तो ये 4 लेयर में फोल्ड हो गया है। तो अब हम नीचे से फट्टी के लिए लेंगे, पोंचे में जो फट्टी के लिए कपड़ा, ये 1.5 इंच लेंगे, इधर से भी 1.5 लेंगे। इस निशान को हमने सीधा कर देना है। अब जो प्लाजो की लंबाई है वो 36 इंच है, 36 में हम लगाएंगे। ये जो ऊपर बचा है ये हमारा फट्टी में घूरेगा जिसमें इलास्टिक डाल लेंगे हम। तो अब जो प्लाजो की कटिंग करनी होती है वो हमें हिप के हिसाब से करनी होती है। जितनी भी हमारी हिप होती है उसमें हमने चौथाई लेना होता है। तो इसकी जो हिप है वो 44 इंच है, तो 44 में से 6 इंच हम लूजिंग लेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 50 का चौथाई हमने लेना है 12.5 इंच। और जो आसन लेना होता है वो भी हमने हिप के हिसाब से लेना होता है। इधर से हम 2.5 इंच और आगे बढ़ाएंगे। बीच में से हम गोलाई देंगे। अब पोंचा जो तैयार है वो 13 इंच है। ये शेपर है, इसकी हेल्प से हम निशान को आपस में मिलाएंगे। अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा स्टिचिंग में आएगा। अब हमने प्लाजो की कटिंग करनी है। जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे वैसे हमने अब हम इधर से आसन की तरफ से 1 इंच लेंगे। एक इंच को हमने यहाँ मिलाना है। जब हम इस तरह की कटिंग करते हैं तो जो प्लाजो का पोंचा है वो ऊपर की तरफ खींचता नहीं है। ये जो कटिंग है ये हमारी फ्रंट साइड पे आएगी कटिंग। ये 2 लेयर ऊपर उठा के हमने कटिंग करनी है। प्लाजो, सिंपल प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।